लीजिए भाई साथियों, एक बात और आपके बीच में। प्रसन्न होगा कृष्ण जन्म, और बात भी कहां से कि जब जेल के अंदर जन्म होता है कृष्ण भगवान का, तो वासुदेव सोचते हैं कि पहले की तरह इस बार भी इस बेटे को कंस मार देगा। तो वो देव की कहती है कि चाहे कुछ भी करना प्राणनाथ, लेकिन इस जीव को तुम्हें जरूर बचाना है। तो वासुदेव क्या कहता है देवकी से और देवकी क्या कहती है, आइए सुनवाते हैं इस रागनी के माध्यम से। किस ढाल में देवकी बचाऊं तेरा लाल में, बचाऊं तेरा लाल में। ओ, किस ढाल में देव की बचाऊं तेरा लाल कंस पापी आगे कोना चाले पेश मारी से, आठ वायु लाल मेरा साथ कन्या मारी से, और दया भी न करने का वो दुष्ट अत्याचारी से, मैं भी सुत की गैल मरूंगी खा के कटारी से, मैं भी सुत की गैल मरूंगी खा के कटारी से। चाहे कुछ करना रखना जिंदा हर हाल में, इस ढाल में देव की बचाऊं तेरा लाल में। अपने आप खुल गए सातों जेल के ये द्वार भी, ईश्वर की है लीला सारी सोगे पहरेदार भी, और याना बालक मेहबर से या तो रात का अंधकार भी, सुत के बदले चाहे हमको पापी दियो मार भी, सुत के बदले चाहे हमको पापी दियो मार भी। कहाँ करे दुखियों के दिन फिर जा बार साल में, इस ढाल में देव की बचाऊं तेरा लाल में। इस बालक ने कितले जाऊं इतना बताइए तू,
नंद बाबा के छोरी जन्मी, बदला करके लइए तू। और नंद बाबा के घर का रास्ता सही समझिए तू। उसने बच्चा बच्चा जाने, मत ना घबराइए तू। उसने बच्चा बच्चा जाने, मत ना घबराइए तू। गोकुल गांव में जाइए तू मेरी, करके बात ख्याल में। इस डाल में देव की बचाऊं तेरा लाल में। कौन माता ऐसी बदला कर लेगी औलाद का। सच्चे यार प्यारे करते काम इमदाद का। और अच्छा तो मैं चलता हूँ यो काम नहीं बाद का। टीकम नागर कर लूंगी मैं भजन फरियाद का। टीकम नागर कर लूंगी मैं भजन फरियाद का। अभिमान देख्या नहीं कभी इंद्रपाल में। इस ढाल में देव की बचाऊं